पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट से सनसनी मच गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो को 31 टुकड़ों में तोड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। पुतिन ने एक ऐसा वॉर प्लान तैयार किया है जिसमें 48 घंटे में नेटो को नष्ट किया जा सकता है, और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी के भतीजे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने किया है। घंटा 12 घंटा 18 घंटा 24 घंटा 36 घंटा या फिर 48 घंटा रूस की सेना कितने घंटे में नाटो की सेना को खत्म कर देगी? क्या सिर्फ 2 दिन में 31 देशों वाला नाटो खंड खंड हो जाएगा? क्या सिर्फ 2 दिन में रूस के हथियारों से नाटो का सर्वनाश हो जाएगा? क्या रूस ने नाटो के विनाश का टाइम सेट कर दिया है? क्या यूक्रेन युद्ध तो सिर्फ बहाना है? पुतिन का मकसद नाटो को फंसाना है? क्या पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बहाने पूरे नाटो को अपने जाल में फंसा दिया है? क्योंकि अमेरिका में ये भी आवाज उठने लगी है कि यूक्रेन युद्ध के नाम पर नाटो को फंसा दिया गया है। दावा किया गया है कि नाटो को युद्ध में घसीट कर रूस लगातार उसे कमजोर करने में लगा है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी के भतीजे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने किया है। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वो डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर अभियान चला रहे हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने भयावह परमाणु युद्ध की चेतावनी जारी की है। इनका कहना है कि पुतिन नाटो को नष्ट कर सकते हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर का दावा है कि यूक्रेन एक प्रॉक्सी वार है। नाटो को रूस के साथ युद्ध में घसीटा जा रहा है। नाटो कमजोर हो रहा है और अब हम परमाणु युद्ध के कगार पर हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं। जॉन एफ कैनेडी के अमेरिका के टेक्सास राज्य में 22 नवंबर 1963 को हत्या कर दी गई थी। कैनेडी की हत्या को लेकर समय समय पर कई खुलासे हुए हैं, लेकिन उनकी हत्या के पीछे का कारण क्या था ये आज तक साफ नहीं हो पाया है। उसी जॉन एफ कैनेडी के भतीजे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के बयान ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। उनका दावा है कि पूरे नाटो को युद्ध में घसीटा जा रहा है और ये नाटो को नष्ट करने जा रहा है, क्योंकि अंततः मुझे नहीं लगता कि नाटो में शामिल कई देशों के पास इतनी हिम्मत है कि वो रूस के खिलाफ युद्ध में शामिल हो। कोई भी ये नहीं चाहता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार नहीं कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी जारी कर चुके हैं। यूक्रेन युद्ध को परमाणु युद्ध से खत्म करने की धमकी दे चुके हैं। और अब एफ कैनेडी जूनियर ने नाटो को कागजी शेर करार देकर उसकी कमजोरियों को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को अपने परमाणु घेरे में ले रखा है। रूस में छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु बम तैनात हैं। रूस के परमाणु बम बेलारूस में एक्टिव हो गए हैं। रूस में छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु बम तैनात हैं। रूस के परमाणु बम बेलारूस में एक्टिव हो गए हैं। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बम क्राइमिया में लगे हुए हैं। रूस के परमाणु हथियार काला सागर में मौजूद हैं।
रूस के परमाणु बम बाल्टिक सागर में भी होने का दावा है। रूस की तरह ही कैलिनिनग्राद में भी छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु हथियार लगे हुए हैं। अगर अपने इस न्यूक्लियर गेम को पुतिन ने अंजाम तक पहुंचाया, तो पूरे यूरोप का गेम ओवर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया ऐसा धमाका देखेगी, ऐसी तबाही की गवाह बनेगी, ऐसा खौफनाक मंजर पूरी पृथ्वी पर छा जाएगा जिसकी बराबरी हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु धमाके भी मिलकर नहीं कर पाएंगे। रूस से पोलैंड पर सिर्फ 3 मिनट में प्रहार हो सकता है। रूस से बेल्जियम 7 मिनट में हमला हो सकता है। रूस से जर्मनी पर 10 मिनट के अंदर परमाणु हमला हो सकता है। इटली तक सिर्फ 11 मिनट में रूस का परमाणु बम पहुंच जाएगा। वहीं पश्चिमी मीडिया में छपी एक दूसरी रिपोर्ट में बताया गया है कि नाटो ने एक ऐसा वॉर प्लान तैयार किया है जिसमें 48 घंटे में रूस का जर्रा जर्रा जल सकता है। वजह है नाटो देशों पर रूस का परमाणु निशाना। नाटो की तरफ से चेतावनी जारी कर कहा गया है कि अगर रूस नाटो के किसी भी देश पर हमला करता है तब नाटो पूरी ताकत के साथ जवाब देगा और कुछ ही दिनों में रूसी सेना को खत्म कर देगा। पश्चिमी मीडिया के दावे के मुताबिक नाटो 2 दिन यानी 48 घंटे के भीतर रूस को नक्शे से मिटा देगा। 48 घंटे के भीतर रूस की सेना का समूल नाश हो सकता है। 48 घंटे में नाटो रूस के सभी हथियारों को बर्बाद कर सकता है। और तो और दावे के मुताबिक 48 घंटे में दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियारों वाले रूस के सभी परमाणु बमों की भी बत्ती गुल हो सकती है। पूर्व ब्रिटिश सेना अधिकारी निकोलस ड्रमंड ने चेतावनी दी है कि अगर पुतिन परमाणु हमले की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसका रूस के लिए विनाशकारी परिणाम होगा। निकोलस ड्रमंड ब्रिटिश सेना के अधिकारी रहे हैं। अभी वो युद्ध विशेषज्ञ के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर हैं। नाटो में उन्हें उम्दा रक्षा उद्योग विश्लेषक भी माना जाता है। उसी निकोलस ड्रमंड का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन में परमाणु हमला कर देता है तो परमाणु हमले के 48 घंटे के अंदर नाटो रूस को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। नाटो की इस चेतावनी के पीछे की वजह पुतिन की धमकी को माना जा रहा है। पुतिन ने 2 टूक कह दिया है कि अगर नाटो रूस या फिर रूस के दोस्त बेलारूस के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो रूस उसे खुद पर हमला मानेगा और अपना हर हथियार लेकर जंग में कूद पड़ेगा। सवाल है, क्या सच में नाटो की सेना रूस को 48 घंटे में खत्म कर सकती है? अगर ऐसा करना हो तो कैसे करेगा, इसे हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले पुतिन की परमाणु युद्ध की तैयारियों को जान लीजिए। रूस के परमाणु हथियार ऐसे तन गए हैं। पुतिन के परमाणु हथियार ऐसे अड़ गए हैं। किसी परमाणु मिसाइल से जब निशाना साधना होता है तो उसे ही खड़ा किया जाता है। रूस ने ऐसे कितने परमाणु हथियारों को युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया है? रूस के ये परमाणु हथियार कहां कहां तैनात हैं? रूस के इन परमाणु हथियारों के निशाने पर कौन है? इन सभी सवालों के जवाब पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में मिलता है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने नाटो देशों को अपने परमाणु हथियारों के निशाने पर ले रखा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड पुतिन की परमाणु मिसाइल के निशाने पर है। रूस की सेना ने लिथुआनिया के नाम भी परमाणु मिसाइल तैनात कर रखी है। रूस के परमाणु हथियारों के टारगेट पर तीसरा देश लातविया है।
पश्चिमी मीडिया की जिस रिपोर्ट में तीनों देशों पर पुतिन के परमाणु निशाने का दावा किया गया है, उसमें ऐसा क्यों कहा गया है कि नाटो देशों के लिए अब जवाब देने का समय आ गया है? एक तरफ ज़ेलेंस्की नाटो की रट लगा रहे हैं, नाटो में शामिल होने की गुहार लगाते रहे, यूरोप जाकर हथियारों की भीख मांगते रहे, दूसरी तरफ पुतिन ने बेलारूस के साथ मिलकर बहुत ही विस्फोटक खेल कर दिया, यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को अपने परमाणु घेरे में ले रखा है। रूस ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को तैनात कर रखा है, यूक्रेन से लगी रूस की सीमा के करीब टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का बेस बना रखा है, दावा किया जाता है कि क्राइमिया में भी रूस की न्यूक्लियर फोर्स ने टैक्टिकल न्यूक्लियर बम लगा रखे हैं। ऐसे में यूक्रेन पर छोटा परमाणु हमला करने के लिए रूस इन तीनों रास्तों में से किसी भी एक रास्ते को अपना सकता है। ऐसे में अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमला करते हैं तो यह जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी, यूक्रेन तो तबाह होगा ही, परमाणु हमले की आंच नाटो देशों तक पहुंचेगी। रूस के परमाणु हमले के जवाब में नाटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी, जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया है कि नाटो के सदस्य देश रूस के परमाणु हथियारों के निशाने पर हैं और अब नाटो देशों को जवाब देने का समय आ गया है। नाटो की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर अमेरिका और रूस में परमाणु युद्ध शुरू हो गया तो 300 परमाणु बम एक साथ फट सकते हैं। जिस दिन धरती पर 300 परमाणु बम एक साथ फट गए, यकीन मानिए वो दिन कयामत का दिन होगा। अगर रूस की अमेरिका से भिड़ंत शुरू हो गई तो पुतिन की सेना का मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा, क्योंकि रूस को ध्यान में रखकर अमेरिका ने यूरोप के कई बेसों पर परमाणु बम तैनात कर रखा है, मिसाइलें सेट हैं। ऐसे में अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुमान के मुताबिक यूरोप में फिलहाल 5 देशों में अमेरिका के करीब 100 परमाणु बम मौजूद हैं। बेल्जियम के क्लैन ब्रोगेल एयरबेस पर 15 परमाणु बम रखे गए हैं, जिन्हें लॉन्च करने के लिए F-16 एयरक्राफ्ट तैनात हैं। जर्मनी के बुचेल एयरबेस पर 15 परमाणु बम है और हमला करने के लिए P-8 200 टॉर्नेडो एयरक्राफ्ट की तैनाती है। इटली के एवियनो एयरबेस पर अमेरिका ने 20 परमाणु बम लगा रखे हैं, हमले के लिए F-16 एयरक्राफ्ट तैनात है। वहीं इटली के घेड़ी एयरबेस पर अमेरिका ने 15 परमाणु बम लगा रखे हैं, हमले के लिए P-8 200 टॉर्नेडो मौजूद है। नीदरलैंड के वोल्कल एयरबेस पर 15 परमाणु बम लगा रखे हैं और हमले के लिए F-16 एयरक्राफ्ट तैनात है। वहीं तुर्की में इंसर्लिक एयरबेस पर 20 परमाणु बम होने का अनुमान लगाया जाता है। अगर नाटो देश युद्ध में कूदते हैं तो लड़ाई नाटो और रूस के बीच होगी। अगर ऐसा होता है तो आज जो हालात रूस के सामने यूक्रेन के हैं, वही हालात नाटो के सामने रूस के हो जाएंगे। ऐसे हालात में रूस या तो परमाणु हमले का विचार करेगा, जैसा कि पुतिन कई बार चेतावनी दे चुके हैं, या फिर मित्र देशों से मदद मांगेगा। दोनों ही सूरतों में हालात तीसरे विश्व युद्ध के ही बनेंगे। नाटो ताकतवर देशों का सैन्य गठबंधन है, इस लिहाज से नाटो की ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर है। इसी वजह से रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने परमाणु युद्ध की चेतावनी जारी की है। मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि ज़ेलेंस्की के पास हथियारों की नई खेप पहुंचने वाली है और ज़ेलेंस्की ने उन हथियारों की एक लिस्ट जारी की है जो उनको अमेरिका और नेटो से मिलने वाले हैं। कुछ हथियार यूक्रेन की सेना को मिल भी चुके हैं और ज़ेलेंस्की ने इन हथियारों से किए गए नए शिकार का वीडियो भी वायरल कर दिया है।
सिर्फ 2 घंटे पहले यहाँ पुतिन की मिसाइल गिरी है। ये पश्चिमी यूक्रेन के शहर लवीव का एक रिहायशी इलाका है। यहाँ छोटे बच्चों का स्कूल था जो पूरी तरह तबाह हो चुका है। इस इमारत और आसपास 100 से ज्यादा फ्लैट हैं, जो अब रहने लायक नहीं बचे। हर तरफ मलबा ही मलबा है। यहाँ हुए हमले के बाद हालात ऐसे हैं कि लवीव के मेयर हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ ऐसा ही वीडियो पुतिन ज़ेलेंस्की से भी चाहते हैं।